करो गर्दन झुका के प्रणाम। बैठ जाओ सीधे होके, पीठ करें सीधी, गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने, सब आंख बंद करें। देखें त्रिकुटी स्थान को, देखें अपने तीसरे नेत्र को, देखें ललाट को, देखते रहें। शाबाश, ये बिंदी वाला स्थान बहुत महत्वपूर्ण है देवियों सज्जनों। बिंदी को नहीं देखना, बिंदी वाले स्थान को देखना है, ये बाह्य चिन्ह है। परमात्मा कृपा करके जो कुछ दिखाएंगे आप जी को, वह सब कुछ इसके पीछे है। ये बाह्य चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी, तैसे तैसे आपको स्पष्ट होता जाएगा स्थान क्या है, क्या इसकी महिमा है, क्या इसका महत्व है। थोड़े समय के लिए निश्चल बैठिए, हिलना जुलना नहीं। अभी आप जी ने आंख बंद करके अपनी दृष्टि को त्रिकुटी स्थान पर टिकाया हुआ है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, इस स्थान को देखिए। कलांत में कहा, इस स्थान पर राम शब्द को देखिए, दाम भगवान को देखिए, और कहा नाम ध्यान सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सबकी वृत्ति नाम पर नहीं टिकती, इतना आसान नहीं। जैसे हम हैं अपने जैसा ही हम, परमात्मा के विषय में भी धारणा रखते हैं। हमें रूप बहुत अच्छा लगता है, सहज लगता है, कोई बुरी बात नहीं। आप सुन के चकित ना होइएगा, जैसे हमारा मंत्र राम है, परमात्मा का नाम भी है, प्रिय नाम, प्यारा नाम, निक नाम राम। मीरा का मंत्र भी राम ही था, लेकिन इष्ट जिन पर वह ध्यान लगाती थी वे भगवान श्री कृष्ण। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनका मंत्र भी राम ही था, वे भी राम नाम के ही उपासक थे। कहते थे जादुई राम नाम, चमत्कारी राम नाम। लेकिन उनकी इष्ट मां काली, वे मां काली की पूजा करते, मां काली पर ध्यानस्थ हुआ करते। उनके ध्यान को मां काली से हटाना गुरु महाराज को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इतना पक्का ध्यान था उनका मां काली पर। उनके प्रिय शिष्य, विद्वान शिष्य
स्वामी विवेकानंद का मंत्र भी राम, वे भी राम नाम के ही उपासक थे, इसी नाम इसी मंत्र को जपा करते थे, लेकिन उनके इष्ट भगवान शिव इससे हमें ये पता चलता है जो भी हमारे इष्ट हैं उनके रूप पर हम ध्यान लगा सकते हैं, जरूर लगाइए, इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको आसानी होगी, आपका प्यार है उनके प्रति, जिनके प्रति प्यार हुआ करता है उन्हें याद करना बहुत आसान हुआ करता है। आपकी प्रीति मातेश्वरी के प्रति है, मातेश्वरी पर ध्यान लगाइए, भृगुटी स्थान पर ललाट पर उनके दर्शन कीजिए, आपकी प्रीति धनुषधारी राम के प्रति है उन्हें देखिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति है उन्हें देखिए, आपकी प्रीति चतुर्भुज भगवान शिवलिंग शिव पार्वती पर है तो उन्हें देखिए। एक बात याद रखने योग्य, इनसे लाभ आपको प्रचुर मात्रा में कब मिलेगा, ये मां कब आपको भौतिक बात से छुड़ाएगी, ध्यान तो बेशक आप मातेश्वरी पर लगाओ, एक नाम आप राम जपो, बहुत भेद की बात आप जी की सेवा में अर्ज की जा रही है। यूं समझिएगा कि अपना निजी अनुभव मैं आपके सामने खोल रहा हूं, मां भगवती पर ध्यान लगाइए, जो तमारी मां पर ध्यान लगाइए, भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाइए, धनुषधारी राम पर ध्यान लगाइए, शिवलिंग पर ध्यान लगाइए, शिव पार्वती पर ध्यान लगाइए, एक मंत्र राम जपिएगा आप बहुत ऊंचाइयों को छूने लग जाओगे, आपका इष्ट आपको भौतिकवाद से निकाल के तो अलौकिकवाद में ले जाएगा। संसार से निकलना कोई आसान नहीं, संसारिकता का छूटना कोई आसान नहीं, इस कॉम्बिनेशन से बहुत आसानी हो जाती है। अपने इष्ट पर उनके रूप पर ध्यान लगाइए, यदि इष्ट कोई नहीं तो नाम पर ध्यान लगाइए, मंत्र राम जपिए, नाम राम जपिए, इससे आपको बहुत लाभ और बहुत जल्दी लाभ होगा, संसारिकता छूट जाएगी, आपका जीवन आध्यात्मिक जीवन होगा। ये राम अब गुरु मंत्र है, इसके साथ गुरुजनों का बल हुआ करता है, बहुत कुछ साथ होता है, आज भी इस समय ऐसा शुरू कीजिए, सदा करते रहिए।
अपने प्रियतम इष्ट को देखिए, उनके रूप के दर्शन कीजिए, निहारिए, निहाल होजिए और प्रेम पूर्वक मन ही मन, ना होंठ हिले ना जिभा, प्रेम पूर्वक राम राम मेरे राम प्यारे राम दाता राम शिरोमणि राम, जिस पर राम की कृपा वह इन अपने अपने इष्ट का अत्यधिक प्यार का पात्र बन जाता है। प्रभु राम इनसे बहुत प्यार दिलाते हैं, मां के प्यारे बनना चाहते हो, दुलारे बनना चाहते हो, बन के रहना चाहते हो, राम राम मेरे प्रभु राम, सबके राम, मैं तेरा राम, मैं तेरा राम, मैं तेरा राम, राम दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो मीठी वाणी, दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम मीठी वाणी, दे दो राम, 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 सीधे होके पीठ करें सीधी।